रिश्ते बड़े अजीब होते हैं और रिश्तों से जुड़ी हुई एक कहानी, एक बेहद उलझी हुई कहानी। एक गर्लफ्रेंड आती है और लॉकडाउन के चलते वो अपने होम टाउन चली जाती है। फिर दूसरी गर्लफ्रेंड आती है और जब लॉकडाउन खुलता है चीज़ें नॉर्मल होती हैं। आप जानते ही हैं कि पैंडेमिक से गुजर रहा है पूरा देश, पूरी दुनिया। और जब लौट के पहली गर्लफ्रेंड आती है, तो जिसकी वो गर्लफ्रेंड होती है उसको उस पे प्यार आ जाता है। ये एक अजीबोगरीब कहानी है। दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि ये कहानी कैसे कैसे जन्म लेती है और कैसे कैसे खत्म हो जाती है। दरअसल, दिल्ली पुलिस को सूचना मिलती है कि राजपुर खुर्द के जंगल से एक महिला का शव मिला है। साथ साथ पुलिस को एक कॉल भी आती है। कॉल में ये कहा जाता है कि एक महिला को दो लोगों ने मार दिया है और उसका जो डेड बॉडी है वो जंगल में पड़ी है। पुलिस मौके पे पहुंचती है और वहाँ उसे कॉल करने वाला शख्स मिलता है, रमजान खान। रमजान ने कहा कि घटना के समय वो जंगल में शराब पी रहा था, शराब के नशे में था, लेकिन उसने देखा कि वो जो महिला है वो दो लोगों के साथ आती है और बाद में महिला की हत्या करके वो लोग जंगल में उसको फेंक देते हैं। रमजान पुलिस को ये भी बताता है कि हत्या होते देख करके वो डर के भाग गया था और बाद में उसने पुलिस को ये कॉल की। अब ये जो कहानी है, इससे आपको लग रहा होगा कि रमजान ने देखा एक महिला का कत्ल होते हुए, दो लोग आए हैं और उन्होंने महिला को मार के जंगल में फेंक दिया है। लेकिन जो कहानी रमजान की थी वो पुलिस के लिए एक बेहद एक चैलेंज था। पुलिस ने ये पता लगाने की कोशिश की कि महिला कौन है और उसे किसने मारा है। आसपास के लोगों से पुलिस ने बातचीत की और सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए। पुलिस ने जंगल में जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो दो बाइक पर दो लोग उस वक्त महिला को लेकर जाते हुए नजर आते हैं। तो ये देख करके पुलिस को लगता है कि रमजान जो है सही बोल रहा है। अब आप ये देखिए कि क्या रमजान सही बोल रहा था। पुलिस की पूछताछ रमजान से भी जारी रहती है। उसके बयान में कुछ कंट्राडिक्शन आती है और पुलिस को शक हो जाता है। पुलिस को उस पर शक क्यों होता है? दरअसल, जब पुलिस रमजान से पूछती है कि तुम जंगल में क्या कर रहे थे, तुम अगर डर गए थे तो तुमने फिर पुलिस को घटना की जानकारी क्यों दी? और इसके साथ ही उन्होंने उसका मोबाइल जो है वो भी अपने कब्जे में ले लिया और उसका पूरा कॉल रिकॉर्ड चेक किया, तो पता ये चलता है कि उसने अनुज और दूसरे आरोपियों से फोन पे बात की थी। बहुत बारीकी से जब माइक्रो लेवल पे जाकर के उसे पूछताछ की जाती है तो वो ये कहता है कि जो महिला की जान गई है जिसकी, वो उसको जानता है और वो उसके दोस्त अनुज की लिविन पार्टनर थी। अनुज के साथ वो लिविन में रह रही थी। रमजान ने ये भी बताया कि अनुज ने ही अपने दोस्त के साथ मिल करके इस महिला की हत्या की है। इसके बाद पुलिस ने टेक्निकली सर्विलांस की मदद से अनुज को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पे ही नौशाद को भी अपने कब्जे में ले लिया। अब वारदात में रमजान की कितनी भूमिका थी ये पता लगाने के लिए उन्होंने पुलिस ने रमजान को भी अपने कब्जे में ले लिया। बाद में जो कहानी निकल के आती है वो कहानी कुछ इस तरीके से है कि 2 साल पहले अनुज की सोशल मीडिया के जरिए, ये जो महिला की डेड बॉडी जंगल में फेंकी जाती है, उससे मुलाकात होती है। दोस्ती बढ़ी तो अनुज उत्तम नगर से महिला को लेने आया और दोनों लिव इन में रहने लग गए। बाद में दोनों ने शादी रचा ली।
अनुज बेसिकली ड्राइवर था, कुछ समय तक सही चलता रहा। साउथ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी अतुल ठाकर इस मामले में ये भी बताते हैं कि अनुज की जो पहली प्रेमिका थी वो लॉकडाउन के चलते अपने घर चले गई थी, अपने नेटिव टाउन में चले गई थी। इस दौरान दोनों के बीच में जो संपर्क था वो कम हो गया था और अनुज की दोस्ती उत्तम नगर में रहने वाली लड़की से हो जाती है। दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी और दोनों लिव इन में रहते हैं और फिर शादी कर लेते हैं। कुछ वक्त पहले ही अनुज की पहले वाली प्रेमिका यानी कि उसकी जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी वो आ जाती है और अचानक से अनुज को भी उस पर प्यार आता है, वो उसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है। उसकी पूर्व प्रेमिका जो होती है और अनुज दोनों मैदानगढ़ी के इलाके में रहते थे, दोनों 8-9 सालों से एक दूसरे को जानते थे। अब अनुज ये चाह रहा था कि उसकी शादी पहले वाली प्रेमिका से हो जाए। इस चक्कर में जो दूसरी गर्लफ्रेंड थी वो आड़े आ रही थी। अनुज काफ़ी इस पूरे ट्रायंगल में अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा था। वो अपनी पहली प्रेमिका के साथ भाग नहीं सकता था क्योंकि वो उससे बार बार शादी के लिए भी कह रही थी और उसको ये जो नई वाली गर्लफ्रेंड उसकी बनती है बाद में उसके जाने के बाद इसका भी पता चल जाता है, फिर भी वो शादी के लिए तैयार थी। तो इन सब में जो है अनुज काफ़ी परेशान हो जाता है। अब आप ये देखिए कि क्या नई गर्लफ्रेंड अनुज को परेशान कर रही थी, एक सवाल ये भी हो सकता है। क्या वो नई गर्लफ्रेंड से छुटकारा चाहता था, ये भी एक सवाल हो सकता है। और आखिर उसने नई गर्लफ्रेंड की हत्या की कैसे सोच ली, क्या अनुज के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था? मतलब ऐसा आदमी जिसने कभी मक्खी भी ना मारी हो वो एक ऐसा प्लान कर देता है कि वो अपनी लिव इन पार्टनर को ख़त्म करने पे आमादा हो जाता है। और ये भी कि मतलब अनुज किस तरीके से मतलब फंस जाता है रिश्तों के ताने बाने में। फाइनली अनुज ने ये मन बना लिया कि वो पुरानी वाली गर्लफ्रेंड को तभी पा सकता है जब नई वाली को रास्ते से हटा दे। इसके लिए उसने अपने दो दोस्तों को राजी भी कर लिया। इसके बाद वो बहाने से उसको जंगल ले गया, वहाँ चुनरी से उसका गला दबाया और जंगल में ही उसको फेंक के भाग गए। लेकिन साजिश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अब पुलिस को खुद रमज़ान ने फ़ोन किया और कहा कि किसी ने उसकी हत्या कर दी है, लेकिन पुलिस को कॉल करना उसे महंगा पड़ गया। पुलिस ने जब जांच की तो सारे राज खुलते चले गए और तीनों जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। और आप मज़ेदार बात यह है कि जो पहली प्रेमिका थी, जो पहली गर्लफ्रेंड थी, उसको इस साजिश के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तो दोस्तों ये जो कहानी है ये बताती है कि इंसान रिश्तों से भी कई बार भागने के लिए गलत कदम उठा लेता है। ये कहानी जो मैंने आपसे शेयर की है ये बताती है कि किस तरीके से अचानक से रिश्ते किस कदर उलझ जाते हैं कि उनसे निकलने के लिए इंसान को कोई रास्ता नहीं सूझता। और नतीजा ये कहानी। फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगी आपके साथ किसी और कहानी के साथ।